पंजाब के लोगों ने आज आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया है, बल्कि एक मौका दिया है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक मौका दिया है पंजाब के लोगों ने। और आज पूरे देश में ये एस्टेब्लिश हो गया है कि गरीब आदमी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए, भ्रष्टाचार झेल रहे लोगों के लिए, सबके लिए केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो एक उम्मीद है। लोग ये देख रहे हैं कि केजरीवाल जी होंगे तो ईमानदारी से व्यापार किया जा सकता है। गरीब आदमी ये सोचता है केजरीवाल जी होंगे तो ईमानदारी से सरकार की सेवाएं ली जा सकती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इलाज मिल सकता है। तो हर तरफ आज राष्ट्रीय स्तर पर ये बात स्थापित हुई है कि केजरीवाल जी की राजनीति, केजरीवाल जी के सरकार का चलाने का तरीका, जिसको हम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस कह रहे हैं, इसको एक राष्ट्रीय पहचान मिली है। और ये एक मौका है। आज पूरे देश में सब लोग इस उम्मीद से देख रहे हैं कि शिक्षा की राजनीति, स्वास्थ्य की राजनीति, रोजगार की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, जो बाबा साहब का सपना था, जो भगत सिंह जी का सपना था, जो देश वो देखना चाहते थे जिस तरह का, आज केजरीवाल जी उसको साकार करके दिखा रहे हैं। सर, जब बात होती थी तो बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट वो ये कहते थे कि दिल्ली में केजरीवाल जी के चेहरे की एक एक्सेप्टेंस है, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी हैं वहाँ पर जिस तरह से कैंडिडेट, आपको लगता है कि भगवंत मान जी भी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे लोगों के? भगवंत मान जी भी खरे उतरेंगे और ओवरऑल आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर समर्पित है कि केजरीवाल जी ने जो देश को राजनीति की दिशा दी है कि सरकार बनाए, जनता से मौका मांगे, वोट ना मांगे, जनता से मौका मांगे, और जब जनता मौका दे तो फिर उनके बच्चों के पढ़ाने के लिए काम करें, उनके इलाज के लिए काम करें, उनकी नौकरियों के लिए काम करें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम करें। ये सारी चीज़ें दिल्ली में करके दिखाई हैं, पंजाब में भी होंगी। और आज इसी चीज़ को लेके एक राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीद बनी है अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की। सर, थोड़ा जल्दबाजी होगी ऐसे सवाल पूछना, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा, दिल्ली अब पंजाब में लगभग सरकार बननी तय है, ये रास्ता धीरे धीरे कहाँ तक जाएगा? रास्ता धीरे धीरे ये जाएगा कि अब इस देश में जो केजरीवाल जी की राजनीति का मूल है, उनकी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का मूल है, शिक्षा पे काम करना, स्वास्थ्य पे काम करना, महिलाओं के लिए काम करना, व्यापारियों के लिए ईमानदारी से काम करना, आम आदमी को ईमानदारी की गवर्नेंस देना, रोजगार पे काम करना, जिसका मैंने कहा कि भगत सिंह जी और बाबा साहब का जो सपना था, जैसा देश वो बनाना चाहते थे, अब ये रास्ता उधर जा रहा है। आज देश के हर युवा को उम्मीद है कि उसके रोजगार की व्यवस्था हो, उसके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, उसके घर में कोई बीमार पड़े तो इलाज की व्यवस्था हो, वो सरकार से कोई काम कराना चाहे तो ईमानदारी से, उसे रिश्वत ना देनी पड़े, उसे दलाली ना देनी पड़े। तो ये सारी चीज़ों पर आज केजरीवाल जी की राजनीति खड़ी है। और केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में भी सक्सेसफुल हुआ, जनता के फायदे में हुआ, पंजाब में भी लोगों ने मौका दिया है, वहाँ भी आम आदमी का फायदा होगा। वो आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, आम आदमी की जीत है, उसकी जिंदगी की जीत है। सर, एक सवाल, एक आखिरी सवाल है सर मेरा, पंजाब के साथ साथ आप लोगों की उम्मीदें गोवा और उत्तराखंड से भी थी, लेकिन वैसे नतीजे नहीं आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उसमें ऐसे नतीजे नहीं आ रहे हैं, तो कहां पर चूक रह गई? क्योंकि उत्तराखंड और गोवा में भी केजरीवाल मॉडल चल सकता था, वहां पर दमखम के साथ आप लड़ रहे थे। गोवा में और उत्तराखंड में हम पूरी उम्मीद से थे, उत्तर प्रदेश में भी हमने अपने कैंडिडेट उतारे थे, हमने अपने आप को प्रस्तुत किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा फोकस रहा वो पंजाब पे रहा, और उसकी वजह से पंजाब में आज विश्वास हुआ लोगों को। धीरे धीरे बाकी जगह भी होगा आने वाले समय में इन सब राज्यों में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो देखिए पंजाब और दिल्ली में जो काम होंगे सरकारों के, उसको देख के हर जगह लोग कहेंगे कि हमें भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। सर, दिल्ली में आप लोगों की शिकायत रहती थी?